ये नरेंद्र मोदी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है चीता। अंजना ओम कश्यप जी को देखो चीता दिखा रही है। चीता मतलब जानते हो पत्रकार भैया, रतिया में नींद नहीं लगता है पत्रकार, घुटते हैं तड़पते हैं। 40 रुपए का आटा खरीदने में कैसा लग रहा है। अरे का चीता देखें, लाश देखें, लाश जिसे जलाया जाता उसको चीता कर। आपको इतनी बेताबी क्यों है जब हम जो है नौजवानों की चिता पर बात कर रहे हैं। 195 रुपया का सरसों का तेल मिश्रा जी कैसे खरीद पा रहे। लाशों को कुत्ते से नोचते हुए लोगों को देखा। जब भी किसी लड़के का बर्थडे होता है तो उसका चाहत बहुत लंबा लंबा होता है। वो चाहता है कि हम फिल्मी दुनिया में जाएं या तमाम तरीके की जगहों पे जाना पसंद करता है। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 तारीख को। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीताओं को फीता काटकर मध्य प्रदेश के पार्क में छोड़ दिए। जब से इन्होंने पार्क में फीता काटकर चीताओं को छोड़े हैं, इस पर राजनीति गर्म हो चुकी है। आज दिन नया नया पोस्ट डाले जा रहे हैं और इस पर लगातार ये भी विपक्ष ये कह रहा है कि ये मेरा किया हुआ है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का देन है कि चीता आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीता लुप्त हो चुके थे 1952 में। 1952 में जब लुप्त होने के बाद कांग्रेस की सरकार फिर इस पर सोची कि इस पर विचार करने के बाद एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद इसको फिर सोची कि चीता में लगातार कमी हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। खैर ये बात लंबी है, लेकिन हम चीते पे आ जाते हैं। मूल बात, यहाँ के बनारस में एकदम स्टार आदमी हरीश मिश्रा जी हैं। चीता आया है तो क्यों लेकर आया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी, सारे सवाल हैं इनसे। ये बताइए मिश्रा जी कि जो चीता आए हैं इससे आप कितना खुश हैं। अरे हम चीता से काहे खुश रहेंगे। चीता मतलब जानते हो पत्रकार भैया क्या होता है, लाश जिसे जलाया जाता है उसको चीता कहते हैं। तो हम चीता से नहीं खुश हो सकते, हम चीता से डरते हैं, हम चीता से भागते हैं, हम चीता से चिहूकते हैं, हम चीता से क्या बताएं। कैसा सवाल आपने पूछ दिया इस दौर में। अरे ये पूछिए होते कि 40 रुपए का आटा खरीदने में कैसा लग रहा है, ये पूछे होते आप कि 1100 रुपया का सिलेंडर खरीदने में कैसा लग रहा है, ये आप पूछे होते कि बेटी का फीस कैसे जमा कर पा रहे हैं, ये पूछे होते कि 195 रुपया का सरसों का तेल मिश्रा जी कैसे खरीद पा रहे हैं। आपने जानवरों की तरह जानवरों के लिए जानवरों की बात की है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं इंसान हूँ और मुझसे इंसानों की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी चीता पे फक्र कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी खूनी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको खून खराबा चीता चुती यही सब जो है याद आएगा और वो यही सब किए हैं 8 साल में। हम जलती हुई लाश की बात नहीं करते। कोरोना काल में हमने जलती हुई लाशें बेतहाशा देखी, लाशों को कुत्ते से नोचते हुए लोगों को देखा, इसलिए मैं चीता पे बात नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है चीता। एक चीता आप देख रहे हैं उस मध्य प्रदेश के कोना पार्क में और दूसरी चीता आप अपने मणकड़का घाट और हरिश्चंद्र पे देख रहे हैं जो पूरे प्रदेश भर में जलाई जा रही है, पुलिस जला रही है। हाथरस का चीता, मुझे उस बेटी का चीता याद है, रात को 12 बजे के लगभग उस चीता को पुलिस ने पेट्रोल डाल करके जलाया। अभी लखीमपुर खीरी में एक बेटी की चिता को बुलडोजर यानी JCB से छीन करके जो है उसको जमी दोष कर दिया गया। हम लोग चिता की बात नहीं करते, हमसे ज़िंदगी की बात करें। देखिए चिता जो आया है जाहिर सी बात है उस पर आया है तो उसको बढ़ोतरी करने के लिए आया है। आपको इससे खुश होना चाहिए कि हमारे देश में उसकी प्रजातियां लुप्त हो रही थी, प्रजातियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसका क्रेज भी बढ़ेगा, लोग देखने भी जाएंगे। गुरु जो प्रजातियां लुप्त हो रही थी उस पर बहस करने के लिए आप कह रहे हैं, और जो प्रजातियां जिंदा खड़ी मरती चली जा रही हैं मनुष्य की प्रजातियां उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आप पेट्रोल डीजल पर बात क्यों नहीं करना चाहते, आप डाई यूरिया पोटास पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप सस्ती शिक्षा और सस्ते स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। चीता पे बात भारतीय जनता पार्टी को शोभा करती है, भारतीय जनता पार्टी को बात करने दीजिए चीता पर, हमको हमारी ज़िंदगी पे बात करने दीजिए।
यहाँ तमाम गरीब नौजवान लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इनका घर परिवार कैसे चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बेरोजगारी पर बात करना चाहिए था, इसका डाटा देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को जो है कि हम लोगों की खेती किसानी पर बात करना चाहिए। इतनी नाराजगी क्यों हो चीता, अगर आ ही गया है तो आपको तो खुश होना चाहिए, कहना चाहिए प्रधानमंत्री इस तरह के। आपको इतनी बेताबी क्यों है जब हम जो है नौजवानों की चीता पर बात कर रहे हैं, किसानों की चीता पर बात कर रहे हैं? आप इस सवाल को क्यों इग्नोर करना चाहते हैं ज़बरदस्ती? अरे नरेंद्र मोदी जी ने चीता छोड़ दिया, कब का छोड़े हैं आप बताइए तारीख। अब मैं तारीख पूछ रहा हूँ आपसे, 17 सितंबर को। आज कौन से तारीख को आप इंटरव्यू ले रहे हैं? 22 तारीख। इतना महत्वपूर्ण है चीता? इस भारत जैसे बड़े देश में आर्थिक मंदी में डॉलर गिर गया आज, मालूम है? नहीं मालूम है आप, लेकिन आप 5 दिन हो गया गुमराह करते हैं। आप सवालों के जवाब देने से भागते हैं मिश्रा जी। आप सवाल सवाल पे आइए, बिंदु पे आइए। पत्रकार भैया, 5 दिन हो गया, 5 दिन से टीवी मीडिया के साथ साथ आप जैसे होनहार पत्रकार भी चीता पे लटके हुए हैं। अभी कई दिन और चीता पर लटकेंगे, हमको बता दीजिए, हम चीता पर तैयारी करके आए। हमको तो रोज गैस सिलेंडरवा का दाम खाए जा रहा है, आप कह रहे हैं जबरदस्ती हमारा गर्दन पकड़ के चीता देखो। हमको रोज जो है सस्ती रोटी सस्ती जिंदगी का चिंता खाया जा रहा है, आप कह रहे हैं हमारा गर्दन पकड़ के नहीं नहीं टीवी देखो, अंजना ओम कश्यप जी को देखो चीता दिखा रही है, अमित देवगन जी को देखो चीता दिखा रहे हैं। अरे का चीता देखें, लाश देखें, मौत देखें, क्या दिखाना चाहते हो पत्रकार भैया? अरे हमको जिंदगी दिखाओ, हमको सुकून दिखाओ, हमको मुस्कुराहट दिखाओ, हमको उम्मीद दिखाओ, हमको हमारा भारत देश का लहराता तिरंगा, एकता अखंडता और हमारा भारत वर्ष दिखाओ। पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी को लेकर कि इस तरीके का काम कोई नहीं कर सकता है। हर लंका जलने वाली है, डंका के चक्कर में मत पड़िए। 24 में लंका जलने जा रहा है, ऐसे ही बरगलाइए हम लोगों को 24 में। फिर ऐसा है, सड़किया पर आपकी पुलिस है, आपके आरएसएस के संगठन के लोग हैं, आपके 20 नेता हैं, आपकी मीडिया है, आप हमारा जुबान जबरदस्ती बंद कर सकते हैं, लेकिन घरवा में रतिया में नींद नहीं लगता है पत्रकार। घुटते हैं, तड़पते हैं, मचलते हैं, करवटे लेते हैं भूखमरी के, और भूखमरी से, महंगाई से, तड़पती जिंदगी से। याद रखिएगा, आज आप जंगली चीते की बात कर रहे हैं ना, सन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चिता सजेगा पत्रकार, और याद रखिएगा यही चिता खत्म कर देगा भारतीय जनता पार्टी को। इंसान बनिए, इंसानों का सवाल, ठीक है? तो ये बनारस वाले मिश्रा थे, और इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि 2024 में भाजपा की चिता सजेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या होता है। फिर इसी तरीके की रिपोर्ट हम देते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।